आरजेडी के सुप्रीमो बने रहेंगे लालू यादव, अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन, नीतीश कुमार को क्या होगा फायदा? राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो का जिम्मा लालू यादव ही निभाएंगे। एक तरफ लालू यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा, दूसरी तरफ उनका नामांकन औपचारिकता भर रहा, क्योंकि पार्टी में लालू यादव सुप्रीमो की भूमिका में ही बने रहेंगे। दरअसल बुधवार को लालू यादव ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। एक तरफ जहां जगदानंद सिंह ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव 5 साल तक काम करते रहेंगे। खास बात यह है कि नामांकन के बाद लालू यादव ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जाएगा। देश का मौजूदा जो हालत है, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बद से बदतर हो गया है और बिल्कुल तनाशाही के तरफ ले जा रहे हैं। इसको तोड़ना है और सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रतिपक्ष लोगों को इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और काफी हमारा राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से तैयार है और बिहार में नीतीश कुमार और हमारी पार्टी का जो मिलन हुआ, ये उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं तब इनका विदाई तय है। इसलिए हमारा हम पर भरोसा किया है पार्टी के लोगों ने, तो उनके भरोसा को तोड़ने नहीं देंगे। गरीबी है, बेरोजगारी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 में हुई थी। उस समय से लालू यादव ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बार फिर से लालू यादव के हाथ में पार्टी की कमान आ गई है। इसके बाद माना जा रहा है कि लालू यादव अपने पुराने दोस्त और नए सियासी सहयोगी नीतीश कुमार के साथ विपक्षियों को साथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तेजस्वी को बैठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा और आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बना ली। इसके पीछे लालू यादव की सक्रियता मानी गई। दावे किए गए कि नीतीश कुमार को फिर से साथ लाने में लालू यादव ने पर्दे के पीछे गेम प्लान तैयार किया था। इन सब के बीच नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करने भी पहुंचे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव तीसरे मोर्चे को बनाने में जुटे हैं, जिसके नेतृत्व का जिम्मा नीतीश कुमार संभाल सकते हैं। वैसे भी लालू यादव और नीतीश कुमार की नई दोस्ती पर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। ऐसे भी दावे हैं कि लालू यादव से नीतीश कुमार ने दोबारा दोस्ती इसलिए की है ताकि वो पीएम पद के करीब पहुँच सकें। दूसरी तरफ आरजेडी की कमान लालू यादव के हाथ में ही है। इससे माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बड़े भाई लालू यादव हर तरह से मदद करते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।